बॉश इंडिया, थैंक यू बॉश इंडिया। आज मैं लेकर आया हूँ आपको जर्मनी की बहुत बड़ी कंपनी जो कि है बॉश। इसकी हीट गन मॉडल नंबर है, बॉश का प्रोफेशनल है, हीट गन है GHG180। ये इसका मॉडल है। इसके साथ एक टिप फ्री आती है, 1800 वॉट की ये मशीन है। इसका टेम्परेचर है, फर्स्ट पे चलाओगे तो 60 डिग्री सेल्सियस, मिडिल पे चलाओगे 350 डिग्री सेल्सियस और अगर हाई पे चलाओगे तो 550 डिग्री सेल्सियस। बहुत ज़ोरदार क्वालिटी की ये मशीन है, सारे फीचर्स आप देख सकते हो। ये इसका मैं आपको टिप बताता हूँ। पहले इसकी वायर देखिए, एक दो तीन, लगभग 3 मीटर की तार होती है। और इसका ये प्रोडक्ट देखिए, इसका जो शीशा है, इसका जो प्लग है कितनी हैवी क्वालिटी का है। जितनी मर्जी बार इसको प्लग अन प्लग करिए, ये कहीं जाने नहीं वाला। साथ में इसकी वायर देखिए कितनी मोटी ज़ोरदार वायर है, जो ये मेरे ख्याल से पूरी ज़िंदगी कहीं नहीं जाएगी। इतनी हैवी क्वालिटी की इसकी वायर दी हुई है कंपनी ने। कंपनी का प्रोडक्ट खरीदने का यही फ़ायदा होता है। और बाकी इसकी मशीन के बारे में आपको बताएंगे कंपनी के ओनर श्री सार्थक जी। ये हमारी आज लेके आए हैं बॉश की प्रोफेशनल GHG180। इसको प्रोफेशनली हम जो डब्बे वाले हैं, मिठाई वाले, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर हम यहाँ पे इसकी माउथ की बात करते हैं, माउथ के ऊपर लगा हुआ अटैचमेंट का क्या काम है, अगर मेरे को किसी हीट को एक पर्टिकुलर एरिया में डालना है ताकि बाकी जगह ना जाए और एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर जाए, तो इसका वो काम होता है। ये मशीन के साथ फ्री आता है, इस वाले के साथ। अगर मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, इसमें मैं स्पीड कंट्रोल कर सकता हूँ। स्पीड का मतलब हो गया, अगर मैं इसको पहले पे चलाता हूँ तो यहाँ पे इसके अंदर भले जैसे हम एक पर्टिकुलर डिग्री पे फेंक रहे हैं हवा और एक पर्टिकुलर कंट्रोल्ड हवा फेंक रहे हैं, इसका ऐसे ही मैं इसमें दूसरा नंबर तीसरा नंबर ऐसे सेट कर सकता हूँ, ऑन ऐसे होता है, एक दो तीन। इस वाली प्लास्टिक की बात करते हैं तो बहुत बढ़िया प्लास्टिक का बना हुआ है। ऐसा प्लास्टिक है जो मशीन अंदर से हीट कर रही है लेकिन तब भी मेल्ट नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ये यहाँ पे इसके खांचे दिए हुए हैं। अगर हम देखते हैं यहाँ पे, जब हमारी मशीन अंदर मोटर चलती है तो यहाँ से ताकि ठंडी हवा पास हो सके और हमारा काम मशीन ज़्यादा गर्म ना हो, ये उसके लिए दिए हुए हैं। अगर हम यहाँ से हम डब्बे पे आते हैं, एक बार डब्बे के अंदर हमारे ये बताना रह गया, यहाँ पे डबल इंसुलेशन की मशीन है। डबल इंसुलेशन का मतलब हो गया कि जब हम काम करते हैं हमें करंट नहीं आएगा, हम इसको ऐसे रखना चाहिए, इसके बाद हम ओवरहीट ना हो, इसके भी प्रोटेक्शन कंपनी ने दी हुई है ऑलरेडी। अगर हम, मैंने जैसे बताया 1, 2, 3 जो मैंने आपको बताया था इसके अंदर कि कैसे हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं, तो ये रहा। अगर मैं पहले नंबर पर चलाता हूँ इसमें सिर्फ 60 डिग्री पे काम करेगा ये, अगर मैं दूसरे नंबर पर करता हूँ तो 350 डिग्री पे काम करेगा ये, अगर मैं तीसरे नंबर पर करता हूँ तो 550 डिग्री पे काम करेगा ये। हमारा मर्जी है, मैं इसको 60 पे चलाना चाहूँ, 30 पे चलाना चाहूँ या 550 पे चलाना चाहूँ। इतना हैवी मशीन होने के बाद, 1800 वाट की मशीन होने के बाद भी सिर्फ 750 ग्राम की मशीन है, लगभग 0.25 किलो कह सकते हैं। ये मशीन जो है हमारी 100% कॉपर वाइटिंग के अंदर आती है, इसीलिए कंपनी की इसकी 6 महीने वारंटी देती है, कंपनी तरफ से वारंटी होती है। अब हमारे पावर टूल एक्सपर्ट नितिन जैन आएंगे, वो आपको चीज़ के बारे में और बताते हैं। इतनी सुपीरियर क्वालिटी की हैवी क्वालिटी मशीन बॉश जर्मनी की एक बहुत बड़ी कंपनी है। मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत से लोग ना इसको मिसयूज़ करते हैं, और मशीनें लोगों की जल्दी ख़राब क्यों होती है, हीट गन वाली मशीनें जल्दी ख़राब क्यों होती है। ये देखिए, कंपनी ने आपको ये एलिमेंट्स दिए, अटैचमेंट दिया लगाने के लिए। इसका मेन पर्पस क्या है कंपनी का देने का, कि आपकी मशीन लंबी चले। इसको मेटल को आप जितना मर्जी आप यूज़ करोगे ये पिघलने नहीं वाला, बहुत सॉलिड और बहुत सुपीरियर क्वालिटी का ये मेटल है। इसके अंदर एक एलिमेंट होता है जिससे ये गर्म होता है, यहाँ से काम होता है हवा को खींचकर बाहर फेंकना। इसके अंदर एक एलिमेंट होता है प्रेस की तरह, जो गर्म होगा तभी इसके अंदर से गर्म जो है हवा बाहर निकलेगी। बहुत से लोग इसको यूज़ करते हैं, यूज़ करने के बाद ना इस मशीन को रख देते हैं ऐसे। जब आप इस मशीन को नॉर्मल ऐसे रख दोगे तो उसके अंदर जो एलिमेंट होता है वो स्प्रिंग की तरह घुमा हुआ होता है। अब एलिमेंट गर्म है तो मेटल ही, चाहे जितनी मर्जी अच्छी क्वालिटी का हो, जब आप उसको बेढंग तरीके से रखोगे तो वो पिघल के आज नहीं तो कल अपना स्ट्रक्चर को चेंज कर लेगा। और जैसे ही वो एलिमेंट से टच करेगा, इस मेटल से टच करेगा, तो शॉर्ट हो जाएगा। फिर आप मार्केट में ढूंढते हो कि हमें अच्छी क्वालिटी का मेटल मिल जाए, आप इसमें पैसे लगाते हो। मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ, आपका एलिमेंट कभी ख़राब नहीं होने वाला अगर आप इस मेथड को यूज़ करोगे तो। ये देखिए, कंपनी ने आपके लिए स्ट्रक्चर ऐसा क्यों बनाया है, कभी आपने सोचा नहीं होगा। कंपनी ने ऐसा स्ट्रक्चर आपके लिए, ऐसा मॉडल इसलिए बनाया है ताकि जो हमारे मैकेनिक भाइयाँ हैं, जो इसके यूज़र हैं, इसको यूज़ करने के बाद उनको ये मशीन ऐसे ही रखनी है। ऐसे रखने से उनका जो अंदर का मेटल है, अंदर का जो इसका एलिमेंट है, वो अपने स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करेगा और आपकी मशीन ख़राब जल्दी नहीं होगी। मैं बहुत जल्दी मिलता हूँ आपको नई वीडियो में नई मशीन के साथ। थैंक यू।